आवाम की आवाज़ आवाम के साथ इमरान कराची। आज मैं मौजूद हूँ डीसी कोरंगी में और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में PS 93। ये पूरे कराची का आलम है, लाइट गई हुई है सुबह 9 बजे से, फिर 11 बजे आई चली गई और अभी फिर आई 7 बजे, फिर लाइट चली गई। मैं बड़ी अफसोस की बात है कि लाइट तो गई, गैस भी बंद किया गया कि खाना नहीं पका सके, दोपहर से गैस गया हुआ है, गैस के ऊपर भी प्रॉब्लम की हुई है। इस पर कोई हुकूमत एक्शन लेने वाली नहीं है। मैं नासिर शाह साहब और जरदारी साहब को और ये अपना बिलावल साहब को और जो भी है के इलेक्ट्रिक के जो है लोग जिस तरीके से जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं है। मैं प्लीज़ आला हुकाम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये काम हो रहा है ये बिल्कुल सही नहीं है। प्लीज़ बड़ी मेहरबानी होगी। मैं इनसे अजीम भाई, क्या नाम है अंकल, आप बताएं ज़रा इस हवाले से। उमर नाम है मेरा। जी उमर भाई बताएं। यार क्या करें, अब तो ज़िंदगी अजाब हो गई है। एक तो महंगाई से परेशान है, ऊपर से इन्होंने बिजली गैस सभी बंद किया हुआ है। इससे तो केसी को बेच दें या फरोख कर दें भाई, या बंद कर दें बिल्कुल। जब देखो लाइट बंद है, जब देखो लाइट बंद है। आप बताएं इस हवाले से क्या करना चाहिए भाई। अस्सलाम वालेकुम। तरीके से ये आवाम के साथ जुल्म कर रही है कि इलेक्ट्रिक भाई हवाले से क्या है ये? मेरी ये राय कि गैस भी तंग करने लगी है, इलेक्ट्रिक को ख़त्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, इनका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए और दूसरी कंपनी लाना चाहिए जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो, जो फ़ायदा दे, रिलीफ दे आवाम को। ये सिंध हुकूमत से इल्तिजा कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इल्तिजा कर रहे हैं, हम वज़ीर आला सिंध से इल्तिजा कर रहे हैं हम। और आगे और कुछ कहना चाहेंगे? बस और क्या कहा जाए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज 13 अक्टूबर है 2022 और जुमेरात का दिन है आज, और जिस तरीके से इन्होंने आज पूरा दिन गुजारा है लोगों का, लोग बार बार दरवाज़े खटखटा रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, मैं कहता हूँ इस पर काम करना चाहिए था। मैं रास्ते में था तो अभी पहुँचा हूँ, तो ये लाइट आने के बाद दोबारा चली गई। आवाम की आवाज़ आवाम के साथ, और मैं हुकूमत से कहता हूँ प्लीज़ आप कुछ बोलना चाहेंगे। आ जाओ बेटा, बेटा आप ये भी बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? हमजा नाम है मेरा। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी इन्होंने 6,000 रुपये टैक्स लगाया था जो अभी इन्होंने ख़त्म कर दिया। आप मुझे बताएं 6,000 रुपये टैक्स लगा रहे हैं और ये जो कचरे वाली गाड़ियाँ आ रही हैं इनके भी बिल के अंदर टैक्स लग के आ रहे हैं, सारे टैक्स लग के आ रहे हैं। आप मुझे बताएं, ये रुकते नहीं है, सिर्फ आवाज़ लगाते हुए चले जाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और इस चीज़ को मैं लेके हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करता हूँ और जितने भी ये इदारे हैं जो काम कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक वाले 24 घंटे में से सिर्फ 8-9 घंटे लाइट देते हैं, बाकी लाइट नहीं देते। अब जो बेचारा आपका कौन सा एरिया? मेरा एरिया है बी एरिया मलिर बी एरिया कराची। अच्छा, तो यहाँ पे भी लाइट लोड शेडिंग का तो बहुत ही ज़्यादा इशू है और बिल ये अपना पूरा लगा के भेजते हैं। कम से कम भी मेरे घर का बिल विदाउट एसी पे आता है 20-25 हज़ार रुपये, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, यूनिट अपनी तरफ से बढ़ा के चले जाते हैं। ये हर चीज़ ये हुकूमत पाकिस्तान कर रही है और ये गलत हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि लोग सिंध हुकूमत से जो है ना ये लगाव लगा के बैठे हुए हैं कि सिंध हुकूमत का काम पड़ दे, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो भी है इस पर एक्शन लें। और ये आपकी हुकूमत है इधर सिंध में लाजमी है, वफाक हुकूमत तो दबाए पे दबाए जा रही है, सब उनके अंडर में आता है ये कि इलेक्ट्रिक का, प्लीज़ इस पर एक्शन लिया जाए। आवाम की आवाज़ आवाम के साथ। अल्लाह हाफिज़।